खड़गपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के सभी नगर निगमों नगर निकायों का कार्यकाल हुआ समाप्त। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने जारी किया शासनादेश। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। भट्टट ब्लॉक स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल व सत्यम हॉस्पिटल पर एसडीएम सदर नेहा बंधु ने की छापेमारी। नहीं मिला उपस्थित कोई डॉक्टर ना कोई डिग्री होल्डर कर्मचारी। कहा कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेजी गई है रिपोर्ट। निर्देश मिलने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। शिवपुर शहबाजगंज में एक वृद्ध महिला का 5 दिन पुराना मिला शव। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा मृतक के लड़के ने कहा पैसा ना होने की वजह से नहीं कर पाया दाह संस्कार, जो है नशे का आदि। शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। योजना 2031 के आपत्तियों पर जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा अभी तक 8000 नागरिकों के आपत्तियों की हो चुकी है सुनवाई। सभी नागरिकों की अलग अलग है समस्या। सभी समस्याओं को समिति में बैठक करके की जाएगी चर्चा। बोर्ड में रखकर समस्याओं को किया जाएगा पास। आगामी होने वाले नगर निगम एवं नगर निकाय के मद्देनजर वन मंत्री एवं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में पार्षदों तथा भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा महानगर के 80 वार्डों में से 65 सीटें जीतेगी भाजपा, बनाएगी ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर महोत्सव समिति का बनाया गया नोडल अधिकारी। कहा 2023 का गोरखपुर महोत्सव होगा भव्य। जनपद के कलाकारों को अपने प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी व पिपराइज नगर पंचायत के प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय में करेंगे नामांकन। बाकी नगर पंचायतों का नामांकन होगा उनके तहसील मुख्यालय पर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। सपा के पूर्व विधायक व प्रदेश सचिव स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैतवार के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। छाछठवीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 19 बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में मेरठ के दुष्यंत कुमार ने प्रथम स्थान तथा बालिका अंडर 19 में बरेली की विनीता गुर्जर ने मात्र 10:26 में यह रेस पूरा कर पाया प्रथम स्थान। संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने दी जानकारी। और जनपद में बदलने लगा है मौसम का मिजाज। मंगलवार की सुबह छाया रहा घना कोहरा। सुबह 10 बजे निकला धूप। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से मौसम होता जा रहा है सर्द। अब खबरें विस्तार से। यूपी के सभी नगर निगमों नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त घोषित करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने शासनादेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराया है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के उपरांत शासन द्वारा नगर निकायों में 12 दिसंबर 2017 को शपथ ग्रहण कराए जाने तथा निकायों के बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत कराए जाने हेतु निर्देशित किया था। इस प्रकार सभी जनपद में स्थित नगर निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक विभिन्न तिथियों में समाप्त हो रहे होंगे और नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 माह जनवरी 2023 के प्रथम द्वितीय सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। नए बोर्ड के गठन के पूर्व जनपद के निकायों में नियमानुसार अंतरिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा सर नगर निकाय का कार्यकाल। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग महोदय के द्वारा स्थानीय नगर निकायों के कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निकायों के कार्यों के प्रबंधन हेतु समस्त जिलाधिकारियों को व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत निकायों की
कार्यावधि की गणना उनके गठन के पश्चात शपथ ग्रहण की तिथि के उपरांत प्रथम बैठक की तिथि से की जाएगी। निकायों की कार्यावधि के उपरांत नगर आयुक्त नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नगर पंचायत को निकायों के कार्य संचालन का दायित्व सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार माननीय प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो दिशा निर्देश के में निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाएगी। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बछाद ब्लॉक स्थित सत्यम व वैष्णवी हॉस्पिटल पर छापेमारी की, जिसके संबंध में एसडीएम नेहा बंधु ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर बछाद ब्लॉक के वैष्णवी हॉस्पिटल व सत्यम हॉस्पिटल पर छापेमारी की गई है, जिसमें पाया गया कि वहां पर उपस्थित कर्मचारियों के पास किसी भी तरह की डिग्री नहीं थी तथा जिस डॉक्टर के नाम पर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड था वह डॉक्टर भी वहां पर उपस्थित नहीं था। इसके अलावा ओपीडी का कोई रजिस्टर नहीं था, जिससे यह पता चल सके कि यहां कितने मरीजों का इलाज होता है और मरीजों को देखने के लिए कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। वहां पर बहुत सारी कमियां पाई गई हैं जिसकी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि छापेमारी में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, तो बहुत मेडिकल स्टोर है अंदर पूरा अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके पीछे क्या है? पीछे यही बगल से रास्ता होगा। हाँ, इसी में होगा अंदर तब। हाँ है सर, कुछ है इसमें। एक मिनट सर, हम अंदर जा रहे हैं सर। आप देख जिस व्यक्ति का ये है उसी व्यक्ति का वो भी है। ले ऑपरेटेड मरीज है।
ऑपरेशन हुआ का? तो खाना वाना बना रहते हैं इसमें स्टाफ जो रुकते हैं जाते हैं ऊपर मरीज हैं ना मरीज को ना देखने वाले आए क्या है दवाई का है ये फिनाइल है दवाइयां भी तो रखती हैं अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं चलती है। नहीं चलती है? खराब पड़ी है? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता, किसी पेशेंट से पूछ सकते हैं मैडम। अल्ट्रासाउंड नहीं ठीक है। आयुष्मान कार्ड नहीं ऊपर नहीं देखे हम देखे इनका ऑपरेशन यही हुआ है। हाँ आपका नाम? जितेंद्र। आप क्या हैं? परमन साहब। स्टाफ है यहाँ के? हाँ। जितेंद्र जी चारों मरीज का डिटेल ले लो। आपके यहाँ BMW कैसे उठता है? जो बायो वेस्ट मटेरियल होता है जो फेंकने वाला वो कैसे उठता है? वो गाड़ी आता है। कॉन्ट्रैक्ट है उसका? आप कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे? आप OPD रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे? आप कॉन्ट्रैक्ट का फोटो ले लीजिए बड़ा जो इनका। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? 40 मिनट लगेगा। 40 मिनट ठीक है उनको भेज देना। कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब करते हैं खुद आके। हाँ लेके आइए लेके आइए यहीं पे। ऊपर ना कुछ हॉस्पिटल की इमरजेंसी तो किसी पे डाल के जाएंगी ना कि अकेले ऐसे चली जाएंगी? आप लोगों को आता है? आप लोग संभालोगे? मरीज पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और मरीज को यहाँ से ट्रांसफर कराएंगे और इनको क्या हुआ है? इनको और बच्चा कब हुआ है? ऑपरेशन से। क्या नाम है इनका? चालिनी। इनका घर कहाँ है? जो बाहर वो जो स्टाफ है वो बुला के लाऊं? हमारे बटन ब्लॉक के दो हॉस्पिटल में छापा मारी हुई क्या पाए? जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुसार आज सत्यम हॉस्पिटल और वैष्णवी हॉस्पिटल पढ़ट में औचक निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पर औचक निरीक्षण में पाया गया कि जो
वहाँ पर कर्मचारी नियुक्त थे, उनके पास मेडिकल डिग्रीज नहीं थी, जिस डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन था वो डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, मौके पर अनुपस्थित पाए गए, और ओपीडी रजिस्टर नहीं बना था। इस तरह की तमाम वहाँ पर विसंगतियाँ प्राप्त करी गई हैं और विसंगतियों की एक डिटेल रिपोर्ट फोटोज़ के अनुसार बनाई गई है और वो रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी जा रही है। जैसे कि विसंगतियां काफ़ी ज़्यादा पाई गई हैं, जो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई ऊपर के द्वारा करी जाएगी। गुलेरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में एक वृद्ध महिला का 5 दिन पुराना शव मिला, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गुलेरिया पुलिस को सूचना मिली कि शिवपुर सहबाजगंज में एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक मकान में वृद्ध महिला का शव बेड के नीचे पड़ा मिला। जब उसके लड़के से बात की गई, जो कि नशे का आदि है, उसने बताया कि उनकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई थी, लेकिन पैसा न होने की वजह से दाह संस्कार नहीं कर पाया था, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज प्रातः थाना गुलरिया को यह सूचना मिली कि शिवपुर सहबाजगंज में एक महिला की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पता चला कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उनका शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ है और वो लगभग 5 दिन पुराना है। वहीं उसका पुत्र भी रह रहा था और वो नशे का आदि है, उससे पूछा गया तो वो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। उसने ये बताया कि इनकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई थी और मेरे पास इसके दाह संस्कार के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने दाह संस्कार नहीं किया। इसका पुत्र नशे का आदि है और कुछ मानसिक रूप से अव्यवस्थित भी है। महिला का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और तदुपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 2031 महायोजना की आपत्तियों पर सुनवाई की, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि महायोजना 2031 पर आई आपत्तियों की 25 नवंबर से सुनवाई की जा रही है, जिसमें 8000 नागरिकों की आपत्तियों की सुनवाई कर चुके हैं। इस सप्ताह में सुनवाई के कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें 11500 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो लोग सुनवाई में छूट गए हैं या किसी कारण नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे लोग अगले सप्ताह में आकर अपने आपत्तियों पर अपनी राय बता सकते हैं। उन्होंने कहा, अभी तक आपत्तियों की सुनवाई में यह पाया गया है कि कुछ लोगों को ग्रीन लैंड से आवासीय कराना है, कुछ नागरिकों को कमर्शियल कराना है। सभी नागरिकों की सुनवाई के बाद समिति के साथ बैठक करके निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद समितियों के प्रस्ताव को बोर्ड में रख कर पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, जैसे वहाँ पर हम लोग 14 मकान बना कर रह रहा है सर, 14 मकान जैसे हम लोग बनवा कर रह रहा सर वहाँ पे। हाँ भाई, मान लिया हम आप आवासी कराना था, ग्रीनलैंड से आवासी करना ना। जी सर, ठीक है, सभी लोग जा सकते हैं सर। जंगल छत्रधारी समाज से 26 वहाँ से क्रम संख्या 83 तैयार होता रहे। क्रम संख्या 8417 जिसे डीडीए ने अधिग्रहित कर लिया है, हाँ, तो उसे मुक्त किया जाए, अधिग्रहण से मुक्ति। हाँ सर, है ना कुछ ठीक क्या 7618 पे सर मकान 200 साल से बना है, मैप स्वीकृत नहीं हो रहा है और उसका आवासीय घोषित करके स्वीकृत किया जाए मैप और कमर्शियल रेजिडेंसी अब दोनों बनाया गया है। 76-12 करमहा से और लोग हैं, करमहा से और लोग आए हैं क्या, कितने लोग हैं जरा हाथ उठा दे।
पहली जिनकी सुनवाई हो गई लोग जा सकते हैं, जिनकी सुनवाई हो जाए वो चले जाएं। महायोजना के संबंध में सुनवाई की जा रही है, अब तक कितने लोगों की सुनवाई की जा रही है, किन किन भी नहीं? देखिए 25 नवंबर से हम लोगों ने सुनवाई प्रारंभ की थी और अभी तक जो है लगभग 8000 लोगों को हम सुनवाई कर चुके हैं और इस पूरे सप्ताह में हम लोग, मुझे उम्मीद है कि एक राउंड जो है सुनवाई का वो पूरा हम लोग कर देंगे। कुल 11500 आपत्तियाँ हमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगले वीक में भी हम लोग अलग अलग दिन में एक बार और मौका देंगे, जो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश अगर वो भी अगले वीक में आना चाहें तो वो लोग भी आ सकते हैं। सर अभी मुख्य बातें क्या निकल गई? देखिए अलग अलग तरह अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग आपत्तियां हैं। किसी के यहाँ पे ग्रीन से उनको आवासीय कराना है, किसी को कमर्शियल कराना है, तो अलग अलग आपत्तियां हैं। उसकी एक बार सुनवाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। आगामी होने वाले नगर निगम एवं नगर निकाय को देखते हुए बेनीगंज स्थित भाजपा के महानगर कार्यालय पर वन मंत्री एवं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में पार्षदों तथा भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में वन मंत्री एवं नगर निगम के चुनाव प्रभारी अरुण सक्सेना ने बताया कि निकाय चुनाव से पहले यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर, सेक्टर स्तर, वार्ड स्तर तथा इसके साथ ही साथ बूथ स्तर पर भी बैठक की जा रही है। इस बार गोरखपुर के महानगर से भाजपा 80 में से 65 सीटें जीतेगी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीतांशु सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा, दयानंद शर्मा, दिनेश जायसवाल, गौरव तिवारी, मनोज अग्रहरी, अशोक गुप्ता, अजय मणि त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश शर्मा, छोटे लाल पासवान, रमेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना ने कहा, इस बैठक में सम्मुख बैठे महानगर के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंडल के सम्मानित अध्यक्षगण, आप सभी का इस बैठक में स्वागत वंदन अभिनंदन। अब मैं मंचासीन सभी अतिथियों से सादर आग्रह करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि कर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी से सादर आग्रह करूंगा। आप सभी जो विषय है आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, हम सभी जैसा कि देख रहे हैं गतिविधियां पूरे नीचे जोरों शोरों से चल रही है, आप सब उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। जनसंपर्क हुआ, जो पार्टी के द्वारा लिफलेट मिला था उसको लेकर सभी घरों में सभी वार्डों में जनसंपर्क अभियान किया गया और मतदाता बढ़ाने का इस बार एक बृहद अभियान चला के वार्डों में लगकर मतदाता बढ़ाने का काम आप सभी ने किया। आगे जो पार्टी ने तय किया, अभी हम सभी परसों की बैठक में प्रदेश कार्यालय में थे, उस बैठक में तय हुआ है जो कोर कमेटी बनी है, मंडल की स्क्रीनिंग कमेटी और महानगर की स्क्रीनिंग कमेटी, वो सभी अभी आपको चुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री अरुण सक्सेना जी आप सभी को बताने वाले हैं। निश्चित ही ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी का 25% इस चुनाव में सम्मिलित होने वाली आबादी है, इस चुनाव से प्रभावित होगी। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है और ये गोरखपुर महानगर है, मुख्यमंत्री जी का शहर है और निश्चित ही इधर 5-5.5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने जो भी गोरखपुर को जितना भी बन पाया, जब जब वो आते थे गोरखपुर को 100-200 करोड़ की योजनाएं दे के जाते थे। हम सबको गर्व है कि जो 2017 के पहले पूरे 70 वर्षों तक नहीं हो पाया वो 2017 के बाद इधर 5 वर्षों में वो हो पाया है, क्योंकि पहले की जो सरकारें सपा बसपा की रहती थी वो गोरखपुर के साथ भेदभाव करती थी। एक बदलता हुआ गोरखपुर, आप सभी लगातार इस चीज को जनता में जाके कह भी रहे हैं, एक ऐसा स्वरूप गोरखपुर का कि आगे भविष्य में हम सभी बेंगलोर और दिल्ली से इसकी तुलना कर सकेंगे, क्या मानते हुए और निश्चित ही चुनाव में
हमारा विधायक नहीं है तो ये तो है कमेटी जो महापौर के लिए बननी है। अच्छा पार्षदों की एक बात और है, अगर हमारा कार्यदार है मेयर के लिए तो वो कमेटी में नहीं बैठेगा। इसी तरह से पार्षद के लिए प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष अपने वार्ड की चर्चा में रहेंगे, अगर जिस मंडल की चर्चा होगी उस मंडल के अध्यक्ष और प्रभारी रहेंगे, जिस वार्ड की होगी उसमें। इस तरह से पार्टी ने नीचे से कार्यकर्ता को पूरा सम्मान दिया है, कार्यकर्ता को ही सम्मान दिया है और कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी दी है कि ऐसे कार्यकर्ता को लाओ, ऐसे लाओ जो कि जीते। पहली चीज ये जीतना बहुत जरूरी काम है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं हर हालत में जीतने के लिए, और हमारा कार्यकर्ता हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, हमें ऐसा अपने पास से प्रत्याशी लाना है। तो मैं कहूँगा ये प्रत्याशी ढूंढने का काम आप सबका है, सभी आप सम्मानित लोग जो यहाँ बैठे हैं आपका ही काम है कि अपने आप में से, अपनों में से या जिसे भी उचित समझे हैं उसको प्रत्याशी बनाएं और जिसे प्रत्याशी बनाएं उसे जिताएं। निकाय चुनाव से पहले ये बैठक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैठक है, इसमें हमको अपने सभी से पहले तो ये पूछना है कि भाई पिछली समय में जो काम दिए गए थे वो कितने हुए। अभी हमारे चौरसिया जी ने बताया कि हमारे यहाँ सदस्य काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ाए गए हैं और ये एक ज़रूरी काम था। हमारी बैठकें मंडल स्तर पर हो चुकी हैं, सेक्टर स्तर पर हो चुकी हैं, वार्ड स्तर पर हो चुकी हैं, इसके साथ ही साथ हमारे बूथ स्तर तक में मीटिंग का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सी जगह मीटिंग कर ली है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ हमें भारी बहुमत से जीतना है। पिछली बार हमारे जितने सांसद जितने पार्षद से उससे दोगुने से कम नहीं होने हैं, इस बार 65 के करीब हमारे पार्षद जीतेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा, मैंने बताया पिछली बार जितने पार्षद थे उससे दुगने से ज़्यादा, और कोई बड़ी बात नहीं 100% ही पार्षद हमारी पार्टी के जीते। मैंने बताया हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष स्तर पे, सेक्टर इंचार्ज के अध्यक्ष पे, बूथ अध्यक्ष पे, हर जगह लेवल पे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में वोट बनाए हैं, कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की है। हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य योगी जी ने इस शहर के लिए कहां से कहां पहुंचा दिया, हर चीज़ इतनी अच्छी है। पहले गोरखपुर इतना डेवलप नहीं था, आज जितना डेवलप सिटी है, आज प्रदेश के डेवलप्ड सिटीज़ में गोरखपुर माना जाता है। यहाँ पर हर चीज़ है, लोगों की सहूलियत के हर काम हुए हैं, सफाई भी बहुत है और यहाँ पर टूरिज्म के भी स्पॉट बन रहे हैं। यहाँ की जो हमारी पानी जल का जो स्रोत है वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर लोगों को शाम को आराम से बैठते खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है लॉ एंड आर्डर बहुत अच्छा है, चोरी डकैती राजनी गुंडागर्दी चेने खींचना कान के कुंडल खींचना उठाईगिरी ज़मीनों पर कब्जे करना अपहरण ये सब अब पास्ट की बातें हो गई, ये सब दूर। आम आदमी इस बात को समझ रहा है, व्यापारियों को भी जो सम्मान इस सरकार ने दिया उससे पहले किसी सरकार में वो सम्मान नहीं मिला। अब व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है, ये तो मैं कहूँगा हर वर्ग हमारे साथ है। यहाँ पर जितना विकास हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है, हर आदमी यहाँ का औरत महिलाएँ युवा सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ हैं और सब यहाँ पे वोट देंगे। देखिए ऐसा तो हर एक जगह होता है, कहीं भी हो अगर एक सीट के लिए चार चार लोग मांगते हैं, लेकिन हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल और जिसे कमल का फूल का सिंबल पार्टी देगी उसके लिए सब मिलकर लड़ाएंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम हर एक से कहें भाई कार्यकर्ता तुम्हें आज टिकट नहीं मिल रहा है लेकिन पार्टी में संगठन में भी बहुत काम है और जो लगे रहेंगे उन्हें आगे कोई ना कोई पद जरूर मिलेगा, उनका भी पूरा सम्मान किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर को नोडल अधिकारी बनाया गया, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि इस बार का महोत्सव बहुत भव्य होगा जो कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चलेगा, जिसके लिए समितियों का गठन किया गया है। महोत्सव को संपन्न
कराने के लिए जर्मन हैंगर और टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कलाकारों को भी फाइनल किया जा रहा है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि यहाँ के लोकल कलाकारों को मौका मिले, जिससे यहाँ के कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ZDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए इस बार भी हम लोग एक भव्य गोरखपुर महोत्सव कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसमें 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का महोत्सव का समय रखा गया है। उसमें नोडल के रूप में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो यही है कि सुगमतापूर्वक जो है पूरा का पूरा जो हमारा महोत्सव वो कैसे संपन्न हो, उसके लिए हमारी एक अलग अलग समितियाँ बनी हैं। उनके बहुत सारे कार्य प्रारंभ हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। टेंडरिंग जो जर्मन हैंगर और बाकी टेंटेज वगैरह का जो टेंडरिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है। आर्टिस्ट वगैरह भी हम लोग फाइनल करेंगे। उसके बाद में पूरा का पूरा फोकस ये रहेगा कि यहाँ की कला संस्कृति जो है गोरखपुर परिक्षेत्र की, इसको हम लोग आगे कैसे लेके जाएं, यहाँ के युवाओं को कैसे मौका दें, यहाँ के विभिन्न सांस्कृतिक जो मंचों से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम लोग कैसे मौका दें, इन सब चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। यूपी के सभी नगर निगमों नगर निकायों का कार्यकाल हुआ समाप्त। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने जारी किया शासनादेश। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। भट्ट ब्लॉक स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल व सत्यम हॉस्पिटल पर SDM सदर नेहा बंधु ने की छापेमारी। नहीं मिला उपस्थित कोई डॉक्टर ना कोई डिग्री होल्डर कर्मचारी। कहा कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेजी गई है रिपोर्ट। निर्देश मिलने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। शिवपुर शहबाजगंज में एक वृद्ध महिला का 5 दिन पुराना मिला शव। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का। SP नॉर्थ ने कहा मृतक के लड़के ने कहा पैसा ना होने की वजह से नहीं कर पाया दाह संस्कार, जो है नशे का आदि। शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। योजना 2031 के आपत्तियों पर ZDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा अभी तक 8000 नागरिकों के आपत्तियों की हो चुकी है सुनवाई। सभी नागरिकों की अलग अलग है समस्या। सभी समस्याओं को समिति में बैठक करके की जाएगी चर्चा। बोर्ड में रखकर समस्याओं को किया जाएगा पास। आगामी होने वाले नगर निगम एवं नगर निकाय के मद्देनजर वन मंत्री एवं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में पार्षदों तथा भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा महानगर के 80 वार्डों में से 65 सीटें जीतेगी भाजपा, बनाएगी ऐतिहासिक रिकॉर्ड। ZDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर महोत्सव समिति का बनाया गया नोडल अधिकारी। कहा 2023 का गोरखपुर महोत्सव होगा भव्य। जनपद के कलाकारों को अपने प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी व पिपराइज नगर पंचायत के प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय में करेंगे नामांकन। बाकी नगर पंचायतों का नामांकन होगा उनके तहसील मुख्यालय पर। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। सपा के पूर्व विधायक व प्रदेश सचिव स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैतवार के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। छाछठवीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 19 बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में मेरठ के दुष्यंत कुमार ने प्रथम स्थान तथा बालिका अंडर 19 में बरेली की विनीता गुर्जर ने मात्र 10 मिनट 26 सेकंड में यह रेस पूरा कर पाया प्रथम स्थान। संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने दी जानकारी। और जनपद में बदलने लगा है मौसम का मिजाज। मंगलवार की सुबह छाया रहा घना कोहरा। सुबह 10 बजे निकला धूप। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से मौसम होता जा रहा है सर्द। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन गोरखपुर विश्वविद्यालय में किया जाएगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है। सभी नगर पंचायतों के नामांकन उनके तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। इसके अलावा पिपराइज नगर पंचायत के अध्यक्ष व नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में नामांकन करेंगे। मेयर पद के लिए नामांकन पुराने कलेक्ट्रेट में होगा। उन्होंने कहा, नामांकन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन के लिए ट्रैफिक को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। लोकल बॉडीज के लिए जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक हुई है और इस वर्ष जो नामांकन होंगे सभी नगर पंचायतों के नामांकन उनके अपने अपने तहसील मुख्यालय पर होंगे। केवल पिपराइच नगर पंचायत और नगर निगम के जो मेंबर साहबान हैं, पार्षद साहबान हैं, इनका नामांकन विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के स्थल पर होगा और मेयर पद के लिए नामांकन जो पुरानी कलेक्ट्रेट है वो जो भी इसके आरओ हैं अभी फिलहाल जो आरओ हैं उनके उनके अपने कार्यालय कक्ष न्यायालय कक्ष में होगा। सर, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे चुनाव के लिए? इस हेतु पुलिस के साथ आवश्यक बैठक कर ली गई है, बैरिकेटिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत प्लान अभी एक दो दिन में एसपी ट्रैफिक के द्वारा जो ट्रैफिक का प्लान होगा वो एसपी ट्रैफिक साहब के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। सपा के पूर्व विधायक व प्रदेश सचिव स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैंथवार के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा पिपराइज के विधायक महेंद्रपाल सिंह ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में विधायक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कि व्यक्तित्व के बहुत धनी थे, जिन्होंने समाजवाद के चिंतन को और समाजवादी सोच को समाज में आगे बढ़ाया है। अपने पूरे जीवन में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे, जिनके लिए उन्होंने अनेकों अच्छे कार्य किए हैं। जिनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लोगों के लिए कार्य किया था, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाएं, यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सपा नेता कुंवर प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, राधे श्याम सिंह, सहजनवा के नगर पंचायत अध्यक्ष नागेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ राकेश सैंथवार ने कहा, सब लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, और कार्यक्रम बहुत देर तक नहीं चलेगा, आज भी लगन है तो हम लोग प्रयास करेंगे। अजय कुमार सिंह उर्फ राकेश सैथवार, पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ सिंह, उनका बड़ा पुत्र हूँ। माननीय अखिलेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग का मैं सदस्य था। तृतीय पितावल इंदिरा भवन लखनऊ मेरा ऑफिस था। ये 10वीं पुण्यतिथि है स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की। इनका इतिहास 70 के दशक से शुरू होता है। 70 के दशक से शुरू होते हुए संघर्ष करते हुए पिपराइज से 80 में पहली बार विधायक हुए और सारी जनता ने, उस वक्त नेताओं की जाति होती थी, आम जनता की जाति नहीं होती थी, नेताओं की जाति क्यों होती थी? लाठी खाते थे, जनता के बीच में जाके आंदोलन करते थे, सर समाज के नेता थे वो, तो इसलिए नेताओं की उस जाति में थे। सड़क से लेके सदन तक लिट्टी भोरी लगा के गरीबों के मांग को लेकर आंदोलन करके 80 में विधायक हुए। फिर उसके बाद चूँकि 84 में इंदिरा गांधी मर गई थी, लहर थे, 1300 से हार गए, फिर 89 में पुनः जनता दल से विधायक हुए। और उसके बाद से दूरदर्शिता के वजह से अपने समाज के लिए इन्होंने फिर आरक्षण दिलाने का कार्य किया पिछड़ी जाति में। आज उनके पुण्यतिथि क्या कहना चाहेंगे? यही कि पुण्यतिथि में तमाम वक्ता, तमाम पुराने साथी लोग आए हैं, वो लोग
उसमें उनके उनके जो है मार्गदर्शन जो जो वो किए हैं, जैसे लोहिया समाजवादी चिंतक थे, इसी तरह ये सर समाज के भी नेता थे और सर समाज के नेता के साथ साथ अपने समाज का भी कल्याण किए। ये इनके बारे ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, दसवीं पुण्यतिथि है। देखिए, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी की दसवीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं उनके सुपुत्र को अजय सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे महान व्यक्ति के धनी स्वर्गीय बाबू केदारनाथ सिंह जी, जिन्होंने समाजवाद के चिंतन को, समाजवादी सोच को उन्होंने समाज में आगे बढ़ाया है और वो अपने पूरे जीवन में सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया है। और आज उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दसवीं जो उनकी श्रद्धांजलि सभा आज यहाँ पर आयोजित की गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वर्गीय बाबू केदारनाथ सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और समाज के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो एक संदेश दिया था, जो उनके विचार हैं, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि हम उनके विचारों को समाज में लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अलग अलग प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। अंडर 19 बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में मेरठ के दुष्यंत कुमार ने प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने 8 मिनट 41 सेकंड में दौड़ पूरी की, तो वही स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के गौरव यादव 8 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर गोरखपुर के रोहित कुमार ने 8 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पूरी की। वहीं बालिका अंडर 19 बरेली की विनीता गुर्जर ने मात्र 10 मिनट 26 सेकंड में रेस पूरा कर प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर लखनऊ की सुनीता देवी 10 मिनट 31 सेकंड में रेस पूरा की। तीसरे स्थान पर मुरादाबाद की शिवानी रानी रही। अंडर 17 वर्ग में अयोध्या के साक्षी सिंह 10 मिनट 45 सेकंड में रेस पूरी कर प्रथम स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर झांसी की क्रांति देवी ने 11 मिनट 1 सेकंड का समय लिया। तीसरे स्थान पर प्रयागराज की मनीषी निषाद रही। बालिका अंडर 19 वर्ग में लंबी कूद में मुरादाबाद की खुशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 4.73 मीटर की दूरी तय की। वही दूसरे स्थान पर सहारनपुर की सीमा कुमारी, जिन्होंने 4.56 मीटर की दूरी तय की। मेरठ की अंजू ने 4.46 मीटर की दूरी तय कर तीसरे स्थान पर रही। बालक अंडर 17 लंबी कूद में प्रयागराज के मोहम्मद तौफीक ने 6.79 मीटर दूरी तय कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं शैलेंद्र कुमार ने दूसरे स्थान प्राप्त किया। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के अनुज मौर्य तीसरे स्थान पर रहे। मुरादाबाद के कपिल व बालिका अंडर 17 वर्ग के 400 मीटर दौड़ में सहारनपुर की कविता बालियान प्रथम स्थान पर रही। मेरठ की तनीषा दूसरे स्थान पर रही। वाराणसी की खुशबू यादव तीसरे स्थान पर रही। अंडर 19 बालक वर्ग के 400 मीटर फाइनल रेस में वाराणसी के दिवाकर पासवान प्रथम स्थान पर, झांसी के दीपक दूसरे स्थान पर, प्रयागराज के देव शंकर यादव तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं बालिका वर्ग में अंडर 19 के 400 मीटर फाइनल रेस में वाराणसी की सोनम पाल प्रथम स्थान पर, गोरखपुर की उमा साहनी दूसरे स्थान पर और मुरादाबाद की साहिबा तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 14 ऊंची कूद इवेंट्स में लखनऊ की आसिका प्रथम स्थान पर, प्रयागराज की सानिया दूसरे स्थान पर और मिर्जापुर की वंशिका तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर प्रधानाचार्य, मैच रेफरी सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर अरुरेंद्र राय, रामचंद्र यादव, प्रेम नारायण सिंह, सुशील साही, हृदेश रावत, रति रंजन पांडे, अवनीश राय, अभय सिंह, शंभु यादव, नवीन पटेल, चंद्रेश कुमार, हरिकेश सिंह, SP प्रधान, रंजन मणि त्रिपाठी, हरिकेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा, साइकिलिंग जिनका लैंडिंग कर, लैंडिंग कर।
इतनी उसकी उम्र भी रही है मनस्वी सिद्धू की, इतने सालों का इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत बड़ा उतार चढ़ाव उलट फेर हुआ है, जो प्रारंभिक दौर में आगे थे वो दूसरे स्थान पर चले। डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, सदस्य संचालन समिति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 के तीसरे दिन काफ़ी प्रभावी ढंग से सभी प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन हो रहा है। विभिन्न जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें 3000 मीटर रेस अंडर 19 और अंडर 17 का बालक बालिका का संपन्न हो चुका है। लंबी कूद जो अंडर 19 और अंडर 17 है बालक बालिका का, ये भी आज करा लिया गया। हैमर थ्रो अंडर 19 बालक और 400 मीटर अंडर 19, अंडर 17, अंडर 14 ये फाइनल रेस कंप्लीट हो चुका है। 200 मीटर हिट्स भी हम लोगों ने करा लिया है। एक से बढ़कर एक खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और मैं समझता हूं कि अब तक 5-6 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो टूट चुके हैं। मथुरा की एक अभी बच्ची ने भी उसने अपने इस गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और 4-5 रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे खेल मैदान पर एक खेल महोत्सव जैसा पूरा का पूरा वातावरण दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में जो ये आयोजन हो रहा है उसकी गुणवत्ता और स्तर को लेकर के बाहर से आई हुई टीमें काफ़ी चर्चा कर रही हैं। संयोजक और इस मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक, उनके टेस्ट अर्थात उनकी रुचि इस खेल को इस स्तर पर पहुंचा चुकी है कि अब तक जो है इतना सुंदर ढंग से आयोजन शायद बहुत कम जगह हुआ हो। यह गोरखपुर के लिए, हम सब के लिए एक गौरव की बात है कि इतने शानदार ढंग से बिना किसी अव्यवस्था के, बिना किसी परेशानी के सारे खिलाड़ी जैसे वो अपने घर में खेलते हैं उस तरह से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। आपके चैनल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की कवरेज लगातार की जा रही है। मैं निश्चित रूप से गोरखपुर के इस विशेष चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने शुरू से ही इस कार्यक्रमों को, यहाँ की प्रतियोगिताओं को कवर किया है और आज पुनः आप कवर करने आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मंगलवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा, हालांकि सुबह 10 बजे धूप निकल आई। आपको बता दें कि शाम और सुबह लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। तापमान में काफी गिरावट आई तथा आगामी शहर के बाहरी हिस्से में भी घने कोहरे की आशंका जताई जा रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से मौसम सर्द होता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके दृष्टिगत आपदा विभाग द्वारा पूरे जनपद के नगर निगम, नगर निकाय के माध्यम से रैन बसेरा संचालित किए गए हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस समय सुबह और रात में बहुत ज्यादा कोहरा बना हुआ है, जिससे काफी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि अपनी गाड़ियों के हेडलाइट को जलाकर चलें और गाड़ियों के पीछे रेडियम लगा लें और तेज गति में वाहन को बिल्कुल ना चलाएं, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना कम बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा।
देखिए जो पहाड़ों पर लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण अब चूँकि लोअर लेवल्स में मौसम थोड़ा सा सर्द होता जा रहा है और आगामी दिनों में और ठंडक बढ़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा भी व्यक्त की गई है, जिसके दृष्टिगत आपदा विभाग द्वारा पूरे समस्त जो जनपद में नगर निगम या नगर निकाय के माध्यम से जो रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगहों पर रैन बसेरे एक्टिवेट हैं और साथ ही आज सभी तहसीलों को जो शासन द्वारा 50,000 रुपये सभी तहसीलों को धनावंटन भी किया गया है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, ताकि जहां कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए जाने की व्यवस्था वहां पर तहसीलों के माध्यम से सुनिश्चित कर दी जाए। साथ ही जो भी नगर निगम और नगर निकाय हैं वो भी अपने माध्यम से सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करें। इस तरीके से जो भी ठंडक से रिलेटेड जो कार्य हैं वो जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध भी करूंगा जनपदवासियों से कि चूँकि इस समय सुबह और ख़ासतौर से रात में और सुबह के समय में बहुत ज़्यादा फॉग रह रहा है, डेंस फॉग रह रहा है, तो इस समय अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके मूवमेंट करें और ख़ासतौर से गाड़ियों में पीछे रेडियम्स वगैरह भी लगवा लें, जिससे कि कोई भी दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ कम से कम रहें। और ख़ासतौर से जो हमारे NH रोड्स हैं या इस पर तेज गति में वाहन न चलाएं और संयम के साथ रहें और यथा या आवश्यक सुबह कम निकलें और ठंडक में अपने आप को बचा के रखें। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के सभी नगर निगमों नगर निकायों का कार्यकाल हुआ समाप्त। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने जारी किया शासनादेश। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। भट्टत ब्लॉक स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल व सत्यम हॉस्पिटल पर SDM सदर नेहा बंधु ने की छापेमारी। नहीं मिला उपस्थित कोई डॉक्टर ना कोई डिग्री होल्डर कर्मचारी। कहा कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को भेजी गई है रिपोर्ट। निर्देश मिलने के बाद की जाएगी आगे की कार्यवाही। शिवपुर शहबाजगंज में एक वृद्ध महिला का 5 दिन पुराना मिला शव। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का। SP नॉर्थ ने कहा मृतक के लड़के ने कहा पैसा ना होने की वजह से नहीं कर पाया दाह संस्कार, जो है नशे का आदि। शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। योजना 2031 के आपत्तियों पर ZDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा अभी तक 8,000 नागरिकों के आपत्तियों की हो चुकी है सुनवाई। सभी नागरिकों की अलग अलग है समस्या। सभी समस्याओं को समिति में बैठक करके की जाएगी चर्चा। बोर्ड में रखकर समस्याओं को किया जाएगा पास। आगामी होने वाले नगर निगम एवं नगर निकाय के मद्देनजर वन मंत्री एवं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में पार्षदों तथा भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा महानगर के 80 वार्डों में से 65 सीटें जीतेगी भाजपा, बनाएगी ऐतिहासिक रिकॉर्ड। ZDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर महोत्सव समिति का बनाया गया नोडल अधिकारी। कहा 2023 का गोरखपुर महोत्सव होगा भव्य। जनपद के कलाकारों को अपने प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी व पिपराइज नगर पंचायत के प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय में करेंगे नामांकन। बाकी नगर पंचायतों का नामांकन होगा उनके तहसील मुख्यालय पर। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। सपा के पूर्व विधायक और प्रदेश सचिव स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैतवार के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। छाछठवीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 19 बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में मेरठ के दुष्यंत कुमार ने प्रथम स्थान तथा बालिका अंडर 19 में बरेली की विनीता गुर्जर ने मात्र 10:26 में यह रेस पूरा कर पाया प्रथम स्थान। संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने दी जानकारी। और
जनपद में बदलने लगा है मौसम का मिजाज। मंगलवार की सुबह छाया रहा घना कोहरा, सुबह 10 बजे निकला धूप। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से मौसम होता जा रहा है सर्द। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।